हाँ दोस्तों, मैं आपका भाई रजनीश। आज आप लोगों के लिए एक बोर्ड और लेके आया हूँ मैं। ये जो अपना शाइन का बोर्ड है, इसमें 2SC5200 के ट्रांजिस्टर है। ये मोनो बोर्ड है जो अपना सबवूफर वगैरह चलाने के काम आता है। आप स्पीकर्स भी चला सकते हो इस टाइप के, और सबवूफर भी मैं चला के दिखाऊँगा, स्पीकर भी चला के दिखाऊँगा, इसकी वायरिंग भी बताऊँगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, ठीक है भाई, जितना हो सके। और जिस भाई को चाहिए ये हमसे ले भी सकता है। मैं बता देता हूँ कि किससे ये चलेगा। तो यहाँ पे जो 30-30 का ट्रांसफार्मर है हमारा, ये 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर से हम इसको चलाएंगे, ठीक है। और ये जो है आपका, यहाँ पे देखिए इस बोर्ड पे बिस्किट वाले ये अपने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और अपना यहाँ पे 142-143 ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और अपना काफ़ी हैवी है ये अपना बोर्ड। इसमें देखिए बीच में डायोड वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे इनपुट देनी है, आपका जो मोनो इनपुट आएगा। और तो यहाँ पे जो है आपका VVC आपको देना है, लिखा हुआ है VVC+, VVC ग्राउंड, VVC+, VVC- और ग्राउंड, ये आपको यहाँ पर लगाना है। और आउटपुट की वायर्स यहाँ पर मिले, ये आउटपुट है, यहाँ पे आपके स्पीकर्स लगेंगे। तो चलिए इसकी वायरिंग करते हैं हम फटाफट से। और ये प्रीएम पे अपना ऑडियो, इसका जो यहाँ पे ऑडियो इनपुट होगा जो कार्ड से आएगा अपने, ये सेलकोन का बेस ट्रेबल है, बेस ट्रेबल मिड भी रहता है इसमें साथ ही साथ, और सबवूफर का भी टोन होता है इसमें, सबवूफर भी चला सकते हो। ये देखिए सब आउट लिखा हुआ है, ऑडियो आउटपुट यहाँ से। मैं आपको स्पीकर और सबवूफर पे दोनों पे चला के दिखाऊंगा। इसमें लो पास फिल्टर इंक्लूड है। तो चलिए हम फटाफट से इसकी वायरिंग करते हैं। और 12012 का ट्रांसफार्मर से ये चलेगा, ये AC से चलता है, ठीक है। और ये 10000 UF 63 वोल्ट के कंडेंसर है। जो भी सामान आपको चाहिए आप हमसे ले सकते हैं, एम्पलीफायर भी बनवा सकते हैं। इससे पहले मैंने स्टीरियो बोर्ड चलाया था और ये मोनो बोर्ड है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 3 वायर्स अटैच करी है जो इस कैपेसिटर के VVC- में लगेगा। बीच वाला जो ग्राउंड है वो यहाँ पे ग्राउंड दोनों कैपेसिटर को शॉर्ट कर रखा है, यहाँ पे लगेगा। और जो प्लस वाला है वो इसके एंड वाले टर्मिनल पे लगेगा। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसका प्लस वाला जो है, प्लस वाला टर्मिनल प्लस में लगा दिया हमने ब्रिज रेक्टिफायर के, ग्राउंड वाला ग्राउंड में लगा दिया, माइनस वाला माइनस में लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको सप्लाई कनेक्शन करने हैं। यहाँ पे जो ये आउटपुट लिखा हुआ है दोस्तों, इस आउटपुट पे आपको स्पीकर के कनेक्टर जोड़ने हैं, ठीक है। प्लस माइनस इस पर भी लिखा हुआ है, ये आपको देख के लगाना है इसमें। तो ये हम लगा देते हैं इसमें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 10 इंच के स्पीकर्स हैं, ये वाले 135 mm मैग्नेट के, इनको कनेक्ट किया है दोनों को सीरीज़ में लगा के, प्लस प्लस एक में, माइनस माइनस एक में, दोनों को कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें जो रही, पहले हम स्टीरियो जो साउंड होता है उसको चेक करेंगे, प्लस माइनस देख के आपको इसको कनेक्टर यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे इनपुट जो है, इनपुट के हम यहाँ पे इनपुट लगा देंगे इसकी। कुछ इस टाइप से, ठीक है भाइयों। और ये यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है अपना बेस टेबल का, आउटपुट ऑडियो आउट है, लेफ्ट राइट जो होता है इसका, हमने एक टर्मिनल यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा दिया है लेफ्ट वाला। तो सारे कनेक्शन हो चुके हैं। और 12012 का यहाँ पे आपको AC का ट्रांसफार्मर लगा देना है, सिंपली वायर है। और 012 मिलता है अपना 7805 इस कार्ड को चलाने के लिए, ठीक है, ये भी हमने लगा रखा है। चलिए फटाफट से इसकी साउंड टेस्ट करते हैं हम। तो चलिए इसमें पावर देते हैं हम। ये देखिए ऑन हो चुका है ये, देखिए इसके वॉल्यूम ने खोल दिए, ठीक है। Thank you.
बेस खोला था हमने, यहाँ पे ये बेस का टोन है। अब हम इसका जो है मिड खोलते हैं, मिड, ये मिड का टोन है, ये मिड खोलते हैं। खोलेंगे ट्रेबल, तीनों ही खोल देते हैं। तो चलिए अब इसकी एक बार सबवूफर पे हम साउंड टेस्ट कर लेते हैं स्पीकर हटा के। तो यहाँ हमने सबवूफर कनेक्ट कर दिया दोस्तों, अब इसे ऑन करते हैं। तो यहाँ पावर आ चुकी है, चलिए एक साउंड टेस्ट और कर लेते हैं। तो दोस्तों चलिए अब इसके साउंड टेस्ट कर लेते हैं।
देखिए बोर्ड वहाँ से यहाँ तक आ गया घिसक के, और ये अपने आप ये तार रख दी ना इसके ऊपर, तभी ये मैप खुल गया यहाँ पे। देखिए इसको मैप को हटाते हैं, दोबारा साउंड टेस्ट करते हैं, तो ये देख पा रहे होंगे आप सब ऊपर कितना लाजवाब चल रहा है दोस्तों। और सामान सारा वहाँ रखा हुआ था, वहाँ से यहाँ आ गया, क्या ही बताएं हम इसके बारे में आपको। तो स्पीकर फाड़, ये स्पीकर जो है पेपर भी फाड़ देगा दोस्तों, इतना सबवूफर में जान है। और इस बोर्ड से ये चल रहा है 200 वाट मोनो, तो आप समझ गए होंगे कि कितना पावरफुल बोर्ड है ये। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, वीडियो देखा करो और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस करके जाया करो। और देखो ये सारा सामान कैसे रखा हुआ था मैंने, ये कैसे हो गया है, ठीक है। इस टाइप का बोर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो आसानी से, आप 2.1 एम्पलीफायर बना सकते हो, ठीक है। ये हीट हुआ है, हीट होगा दोस्तों, बाउंस होगा, कोई भी बोर्ड होगा वो हीट होगा। तो आप जो है जिस भाई को ये चाहिए वो हमसे ले सकता है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करके जा सकता है, वो फ्री है, ठीक है। व्हाट्सअप पे दिए गए नंबर पे कॉल करें और ये जल्द से जल्द अपने पास मंगवाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम पूरा ये असेंबल कर देंगे, फिर उसके बाद आपको साउंड टेस्ट कराएंगे 2.1 एम्पलीफायर की। ओके टाटा, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।